एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के इतिहास का इकलौता ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन एस्ट्रो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपका संतोष संतोषी। अनुराग ठाकुर, क्या इस बार 8 दिसंबर को हिमाचल के चुनाव वाले रिजल्ट के दिन मस्तक पर चंदन लगा सकेंगे? क्या कहते हैं उनके सितारे? एस्ट्रो मिथ में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक विधवा को अपवाद स्वरूप अचानक से अपशगुन करार दे दिया जाता है। क्या है इसके पीछे की मिथ की सच्चाई, पूरी जानकारी हम बताएंगे एस्ट्रो मिथ में। इंतजार करिएगा। सबसे पहले जानते हैं आज का एस्ट्रो हेडलाइंस। आज रात हो रहे हैं दो महापरिवर्तन। रात 9:19 पर बुध का वृश्चिक राशि में होगा प्रवेश। रात 8:38 पर वक्री मंगल का वृषभ में हो रहा है प्रवेश। ये दो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। सुबह 10:17 पर चंद्रमा गुरु के नक्षत्र पुनर्वश में करेगा प्रवेश। आज चंद्रमा के मिथुन राशि में रहने से देंगे दोहरा फल। हेडलाइंस विस्तार से। दो बड़े परिवर्तन आज रात हो ही जाएंगे। पहला परिवर्तन 9:19 पर बुध का वृश्चिक में होगा और उसके बाद 8:38 पर वक्री मंगल वृषभ में आ जाएंगे। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश लगभग 25 दिन के लिए होता है। वृश्चिक राशि में बुध आकर के त्रिक भाव में आएंगे, जो कि बहुत सकारात्मक नहीं रहेंगे। हर किसी को अपनी वाणी पर अंकुश रखना ही पड़ेगा। रात 8:38 पर जब मंगल वक्री होकर वृषभ में आएंगे, मिथुन में चल रहे थे 3 में, आएंगे अब 2 में। यह प्रवेश जनवरी तक के लिए है और यहां पर मंगल थोड़ा सा उग्र ग्रह होकर के उल्टा फल देने के लिए प्रयास करेंगे, सावधान रहना है। सुबह 10:17 पर चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वश में प्रवेश करेंगे। यह शुभ संकेत होगा। यह पूरी तरह से चंद्र बृहस्पति का गज केसरी योग बनेगा। आज चंद्रमा के मिथुन में रहने से दोहरा फल, मंगल और चंद्रमा का दोनों एक साथ मिल रहा है, यह एक सकारात्मक परिणाम रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र आर्द्रा, सुबह 10:17 तक, इसके बाद पुनर्वशु। आर्द्रा नक्षत्र राहु का, पुनर्वशु बृहस्पति का, दोनों का मिश्रित फल आज चंद्रमा के द्वारा मिल रहा है। योग रहेगा साध्य। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, शाम 4:30 से 6 तक और गोलिक काल दोपहर 3 से 4:30 तक। राहु काल नए और शुभ काम के लिए मना होता है, लेकिन गोलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम आरंभ कर सकते हैं। तदनुसार दिनांक 13 नवंबर दिन रविवार। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं आज के राशि समाचार। मेष राशि, शिक्षा के लिए आज आपको बाहर से कुछ खुशखबरी मिलेगी। कहीं अप्लाई किया था, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। व्यापार के निमित्त आज चंद्रमा का प्रभाव आपको दिखाएगा, बिजनेस में मेहनत का परिणाम दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए जल्दीबाजी घातक होगा, आज जहां पर हैं वहीं टिके रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश दिखती है, बॉस के साथ तालमेल अच्छा बिठा लेंगे आप। दांपत्य जीवन में आज पत्नी के साथ विचार मैच कर रहे हैं, लेकिन पुरानी समस्याओं का मिल बैठ करके निपटारा करिएगा। लव लाइफ स्थितियां आपके अनुसार हैं, समय अनुकूल चल रहा है। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को जल का दान शुभ होगा। ग्रे कलर शुभ है, 63% का भाग्य है। वृषभ राशि, पुराने समस्याओं का निपटारा होगा। आज दोस्तों के साथ मनमुटाव समाप्त हो रहा है, पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार के लिए मेहनत ज्यादा करना थोड़ा सा जरूरी है। धन आता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज मित्रों का साथ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधारने का प्रयास करिएगा। दांपत्य जीवन में आज कुछ अच्छा होने जा रहा है, आज विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। लव लाइफ में विवाह की चर्चा परिजनों से करना शुभ होगा। उपाय के तौर पर आज कुछ पौधों में जल दे दीजिएगा। गुलाबी रंग की शुभता है, 52% का भाग्य है। मिथुन राशि, पुरानी समस्या के साथ आज पढ़ाई आगे नहीं जा पा रही है। आज कुछ मनमुटाव हो रहा है परिवार में, जिसका असर शिक्षा पर पड़ रहा है। व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ उन्नति भी होगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए। दांपत्य जीवन में बच्चों का सुख मिलेगा। ससुराल से रिश्ते को मधुर करने के लिए आज किसी मित्र से मदद लेना पड़ेगा।
लव लाइफ में सुधार होने के साथ साथ विवाह की चर्चा कर सकते हैं। प्रयोग के तौर पर आज लाल चंदन मस्तक पर लगाना शुभ होगा। लाल रंग की शुभता में 50% का भाग्य है। कर्क राशि, पढ़ाई में आज अनेक अवसर मिल रहे हैं, जिसमें से आप कुछ विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिए कहीं नई जगह निवेश के विचार में रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर में वाहन बदलाव की स्थिति दिखती है, नौकरी बदलाव का विचार त्याग दीजिए। सरकारी क्षेत्र में सुधार आज अपने आप होगा। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ विचार मैच कराना जरूरी है। लव लाइफ में कुछ मित्रों की मदद से रिश्ता सुधरेगा आज। कर्क राशि वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? आर्द्रा पुनर्वसु का संगम है आज चंद्रमा का, आपकी राशि स्वामी का, तो प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर सादा जल छिड़काव कर लीजिएगा। पीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य। सिंह राशि, शिक्षा में आज सुधार है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, मित्र आज मददगार साबित होंगे, पुराने नोट्स तैयार रखिएगा। आज का दिन व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अच्छा फल देगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने की जरूरत है, आज बॉस के साथ तालमेल बिठा लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा, सपोर्ट मिल रहा है आज। लव लाइफ, बहुत उम्दा समय है, आज कुछ किया है उसका रिजल्ट दिखेगा, नए रिश्ते भी आज आपके पास आ रहे हैं। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज भगवान गणेश का ध्यान करिएगा। ओम गणपतये नमः। 11 बार इसका जाप करिएगा। नीला रंग शुभ है, 51% का भाग्य है। कन्या राशि, आज का दिन शिक्षा के निमित्त बहुत बेहतर है, मन लग रहा है पढ़ने में, कोई रिजल्ट एग्जाम का बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन व्यापार में आज मेहनत का परिणाम कम दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज संतान का पूर्ण सुख मिलेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव आएगा। लव लाइफ की स्थिति को सुधारने के प्रयास में सफलता स्वतः मिल रही है। उपाय क्या करना चाहिए? काले तिल का दान करिएगा। काला रंग शुभ है, 63% का भाग्य है। तुला राशि, पढ़ाई में आज आशातीत सफलता है, बाहर से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। व्यापार के मसले पर रुके धन की प्राप्ति है, आज जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मौसम आज आपके अनुकूल है, आज नौकरी में बदलाव के चांसेस हैं। सरकारी क्षेत्र में चेंजेस अभी छोड़ दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का सानिध्य मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज दवा का दान करिए। बैंगनी रंग शुभ है, 56% का भाग्य है। बात वृश्चिक राशि की, पढ़ाई में आज खूब सफलता होगी, शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, व्यापार की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ मित्रों की मदद से नौकरी में बने रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के लिए पैर भी रुक जाइएगा और मेहनत से भागना भारी पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आज शॉपिंग पे जा सकते हैं, पत्नी के साथ अच्छा माहौल बीतेगा, बहुत शुभ स्थिति है। लव लाइफ में आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ईगो टकरा रहेगा, आज अपने अहम को थोड़ा साइड में करिएगा। काला रंग धारण करना शुभ रहेगा, काले रंग की शुभता है, 60% का भाग्य है। बात धनु राशि की करेंगे, लेकिन आगे हम बताएंगे विधवा स्त्री अगर आपके सामने आए तो क्या आपके काम बिगड़ जाएंगे, क्या है इसके पीछे का मिथ सच्चाई, थोड़ा इंतजार, बड़ी जानकारी देंगे इस विषय पर। बात पहले धनु राशि, पढ़ाई के लिए आज का दिन बिल्कुल आपके अनुसार चलेगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप स्टडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आज समूह में पढ़ना शुभ होगा। व्यापार के लिए स्थितियां आपके अनुकूल हैं, नए बिजनेस के लिए विचार कर सकते हैं। मित्र जो कह रहे हैं सब पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में उन्नति है, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन होगा। दाम्पत्य जीवन आज स्मूथ रहेगा। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा गंभीर हो जाइएगा, इधर उधर करना भारी पड़ सकता है। आज पीला रंग शुभ है, 53% का भाग्य है। कच्चे दूध का दान बेहतर होगा। मकर राशि, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी, बाहर जा सकते हैं शिक्षा के लिए। व्यापार की स्थिति सुधर रही है। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज नौकरी में स्विच करने के लिए विचार त्यागना होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ विचार मैच कर जाएंगे और विवादों से मुक्ति की संभावना है। लव लाइफ में आज कोई तीसरा हस्तक्षेप करेगा, ऐसा अक्सर होता है। चर राशि वालों के साथ, मकर राशि चर है और शनि चल ही रहे हैं,
तो कुछ गुप्त इधर उधर से घटनाएं घट सकती है। प्रयोग के तौर पर आज कच्चे चावल का दान शुभ होगा। सफेद रंग शुभ है, 64% का भाग्य है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मामला आपके हाथ में है। व्यापार थोड़ा सा रुक रुक कर चलेगा, थमे रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में आज सुधार होगा और प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी। स्थानांतरण के लिए कल थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, शायद कल हो जाए। लव लाइफ, यहाँ पर मसला आपके हाथ से बाहर जा रहा है, किसी बड़े का हस्तक्षेप करवाना शुभ होगा। आज उपाय के तौर पर शिवालय में जाकर कच्चा दूध चढ़ाइए शिवलिंग पर। हरा रंग शुभ है, 52% का भाग्य है। अंतिम राशि में पढ़ाई अनुकूलता के साथ चल रही है, शाम होते होते थोड़ा सा मूड स्विंग करेगा। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी दोस्त से मनमुटाव हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में उन्नति है। व्यापार में आज निवेश त्याग दीजिएगा, मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, लव लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। मीन राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए माँ दुर्गा की शरण में रहना है। छोटा सा दुर्गा जी का मंत्र है, ओम दुम दुर्गायै नमः। बस इसको जितना हो सके मानसिक जाप करिएगा। बादामी रंग शुभ है, आज 56% का भाग्य आपके साथ है। चर्चा करेंगे आज के एस्ट्रो लव टिप का। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शहद अपने कंठ पर लगाना है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली, मरकरी और मून, चंद्र बुध, कंठ बुध, शहद शुक्र, इतने सारे ग्रह, सब सौम्य ग्रह और मोहब्बत भी सौम्य ही होता है। इसे लगाने के साथ अपने प्रिय का ध्यान करें, एक सकारात्मक ऊर्जा का कनेक्शन आप दोनों के बीच जुड़ेगा और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ खुशगवार रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आज के गरम मुद्दे की। मुद्दा गरम है में वक्री मंगल का वृष राशि में प्रवेश। जब कोई ग्रह उल्टा चलेगा, ग्रह क्या, इंसान भी जब उल्टा चलता है तो उल्टा ही फल देगा। कभी कोई भी ग्रह वक्री होकर के अच्छा फल नहीं देता। मंगल जैसा क्रूर ग्रह भी अच्छा फल नहीं देगा। अगर किसी का मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, अर्थात मंगल का ही लग्न है, उसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आज रात जब मंगल वक्री होकर वृषभ में प्रवेश करेंगे तो हर किसी के लिए कुछ न कुछ उल्टा फल देंगे। लेकिन यहाँ वृश्चिक वालों की राशि पर पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख करके थोड़ा सा फल अच्छा भी दे सकते हैं। मकान जमीन जायदाद के विवादों से मुक्ति मिलेगी और कुछ पुराने रुके पेंडिंग पड़े काम आगे चल निकलेंगे। ओवरऑल वक्री मंगल के दौरान आप सबको, हम सबको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। विवादों से बचने की आवश्यकता है, कोर्ट कचहरी के मसलों को रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा ये लंबा खींच सकता है और आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आज के विशेष उपाय की, एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट की। किसी जरूरतमंद को दूध का दान कर दीजिए, इससे आपका शुक्र और चंद्रमा पूर्णतया संतुलन की स्थिति में आ जाएगा और आपका जीवन बहुत स्मूथता के साथ आगे बढ़ जाएगा। कहीं कोई रुकावट, दिक्कत, परेशानी नहीं आएगी। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज के लकी अक्षर की। मेष मा अक्षर, वृषभ ना, मिथुन या अक्षर, कर्क ला, सिंह च अक्षर, कन्या ता, तुला ज अक्षर, वृश्चिक टा, धनु ड अक्षर, मकर वा, कुंभ ग अक्षर, मीन ब। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं जिन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव। किसी भी वर्ष के अगर आप 13 नवंबर को जन्म पाए हैं तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं पूरे वर्ष का फल, वर्ष फल का साल कैसा बीतेगा। पढ़ाई के मसले पर बात करें तो मुश्किलें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, चंचलताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज चंद्रमा वर्षफल में आर्द्रा और पुनर्वसु दोनों को स्पर्श कर रहा है। आर्द्रा जहां राहु से संबंध रखेगा तो मुश्किल बढ़ा देगा, तो मार्च अप्रैल तक आपके साथ कुछ न कुछ दिक्कत, रुकावट, कभी स्वास्थ्य, कभी पारिवारिक, कभी धन बना रहेगा। पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहिएगा। व्यापार की स्थिति में दशमेश चंद्रमा मजबूत होने से बेहतर स्थिति पैदा होगी, रिस्क ले सकते हैं, साझेदारी में टिकाव होगा। जून से लेकर के अक्टूबर तक 2023 में स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होगी, संभालने की आवश्यकता है।
नौकरी की बात करें तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ तीन तीन चेंजेस के मौके मिलेंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आपकी दशा अंतरदशा के आधार पर कौन सा मौका आप भुना पाते हैं, कौन सा नहीं। वैवाहिक जीवन में फरवरी तक का समय सही है, लेकिन उसके बाद मैटर थोड़ा सा उल्टा सीधा जाएगा। सावधान कर रहे हैं जिससे आप बचाव ला सकें। लव लाइफ में नोकझोंक में ही पूरा वर्ष बीत रहा है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो नेत्र दोष, उदर रोग और घुटने की तकलीफ से जूझना पड़ेगा, ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। मार्च से जून के बीच का समय थोड़ा सावधान रहना होगा। प्रयोग के तौर पर छोटे बच्चों की सेवा, जैसे उनको टॉफी चॉकलेट देना, स्कूल बैग्स वगैरह देना, स्टेशनरीज देना शुभ होगा, आपके वर्ष को बेहतर करेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब आज का सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित सेगमेंट एस्ट्रो मिथ की बारी आई। विधवा, एक स्त्री जिसके पति न रहे, दुर्घटनावश दुर्भाग्यवश दिवंगत हो जाए, ऐसी स्त्री को विधवा कहते हैं। क्या विधवा अगर आपके समक्ष आ जाए तो यह एक अशुभ संकेत है? आपका कोई भी काम क्या बिगड़ जाएगा? हमने यहां तक देखा है इस मिथ के चक्कर में कि एक स्त्री जो विधवा है अपने पुत्र का विवाह कर रही है और वो कहीं छुपी हुई एक कमरे में बैठकर रो रही है। कितने बड़े हौसले का दिन है, कितने सुख का दिन है, लेकिन वो स्त्री इसलिए कोने में बैठी है कि कहीं कुछ अपशगुन उसके पुत्र के लिए ना हो जाए। ये बड़ा दर्दनाक और मार्मिक विषय है। क्या ऐसा कोई मां चाह सकती है? ऐसा कैसे नियम बन गया और ये पूरे सृष्टि में जैसे फैल गया कि वीरो स्त्री अगर आपके सामने आ जाए तो कोई भी नैसर्गिक रूप से मांगलिक कार्य आपका बिगड़ सकता है, यह अपशगुन मान लिया जाता है। यह पूरी तरह से मिथ है, मिथ है, मिथ है। कैसे, मैं सिद्ध करता हूं। विधवा स्त्री का कारक दो ही ग्रह होते हैं मूलतः, मंगल और राहु। थोड़ा बहुत शनि का बैकअप मिल जाता है। मंगल पूर्णतया मांगलिक योग बनाता है। मंगल के मांगलिक योग, ये मंगल मांगलिक वाला मांगलिक नहीं, कुंडली वाला मांगलिक कार्य वाला मांगलिक, मंगल से ही मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। लाल रंग का जोड़ा पहना जाता है, चूड़ा पहना जाता है, लाल रंग मंगल का होता है। तो मंगल ग्रह मांगलिक कार्यों का नैसर्गिक कारक होता है और उसी के कारण वो स्त्री विधवा हुई है। तर्क नंबर दो, विधवा होना ये ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है और ऐसी स्त्री ईश्वर के सबसे सन्निकट होती है। मेरा अब तक का शोध यह कहता है, जिसको मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, ठोक कर बोलता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि विधवा स्त्री अगर आपके समक्ष आती है, श्रद्धा से प्रणाम करिए, दावा है आपका वो काम ना बन जाए तो कहिएगा, क्योंकि ऐसी स्त्री ईश्वर के सबसे सन्निकट होती है। ऐसी स्त्री अगर आपके सामीप्य में है तो समझिए सीधा सीधा ईश्वर की कृपा है, क्योंकि उसने अपने तमाम दुखों को एक बार में अपने जीवन में ग्रहण किया है, अब वो सीधे ईश्वर को प्राप्त करेगी। विधवा स्त्री मोक्षगामी होती है, ये सिद्ध हुआ है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का एस्ट्रो फटाफट। वृश्चिक वालों को बुध देगा शुभ फल। सूर्य का प्रभाव शनि प्रधान लोगों पर बढ़ेगा। मिथुन वालों को मिलने वाला है अपने मकान का सुख। कुंभ राशि वालों के जीवन में होगा उतार चढ़ाव। सिंह वालों को मिलेगा आज वाहन का सुख। नई नौकरी की सौगात कन्या वालों के हिस्से में है। तुला वालों के लिए विवाह की संभावना है प्रबल। धनु वालों को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। पुराने मित्र से मुलाकात वृष वालों को होगा। धन की कमी कर्क वालों की आज हो रही है दूर। मेष वालों को आज विवादों से रहना होगा दूर। सिंह वालों के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। आइए जानते हैं आज की एस्ट्रो राजनीति। एस्ट्रो राजनीति में आज चर्चा अनुराग ठाकुर की। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान समय में सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके हाथ में है। हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अनुराग ठाकुर एक कद्दावर नेता हैं भाजपा के।
इनका जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हुआ है। आइए नाम के अनुसार और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानते हैं इनके ग्रह क्या कहते हैं। नाम से अनुराग, अ अक्षर से मेष राशि बनती है जिसके स्वामी होते हैं मंगल। जन्म तारीख से शुक्र प्रधान है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे से शुक्र, मंगल और राहु के शुभत्व का पता चलता है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मॉडलिंग भी कर चुके हैं, कई सारे सूट्स के बारे में इन्होंने बहुत सारे शूटिंग्स किया है, मॉडलिंग भी करते थे, तो शुक्र पता चलता है, चेहरे से भी लगता है। सामान्यतः शांत और उन्नतिशील रहते हैं। अब इनका अगर हम भविष्यवाणी कहें तो वर्तमान समय में हिमाचल चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनका कद भाजपा में और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे परिणाम सुखद और चौंकाने वाले आएंगे। आने वाले समय में 2024 में बहुत सारी उपलब्धियां इनके हिस्से में आने वाली हैं और भारतीय राजनीति में इनका ग्राफ उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, क्योंकि इनके सितारे फिलहाल बुलंद हैं। अपने घर का चंद्रमा करेगा कमाल, ये चर्चा कल की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम बताएंगे आपको कि कल जब चंद्रमा कर्क में प्रवेश करेगा तो आपके लिए कितना कुछ देने वाला है। कर्क के चंद्रमा से आपको क्या कुछ मिलेगा, किसे करेगा मालामाल, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव कितना डालेगा आपके ऊपर प्रभाव, और चर्चा एस्ट्रोमिथ में करेंगे कि क्या पूर्व दिशा वाला जो आपने घर लिया है वो आपको सूट भी करता है या नहीं। कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। कल सुबह 7 बजे इंतजार करना ना भूलिएगा। नमस्कार।